कल रहा था आपके पापा का उन्होंने बहुत बार कॉल आता था, तो तभी पापा ने बोला था आपका माँ का डेथ हो गया है। मामा को ये सब कभी पसंद नहीं था। क्या पसंद नहीं? ये ड्रामा, नाक में रुई, पैर बंधे हुए हैं, नो लॉजिक। नहीं, दो दिन से उसका फोन नहीं उठाया इसने, रात भर फोन करती रही तुम्हें, फिर कहाँ गया था तुम्हारा लॉजिक? तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक और मजेदार मूवी गुड बाय के बारे में, जिसमें अमिताभ बच्चन, रश्मिका मंदाना, नीना गुप्ता और आशीष विद्यार्थी जैसे बड़े बड़े एक्टर हैं। और ये मूवी विकास बहल की डायरेक्टरी में 40 करोड़ की बजट की बनाई जाने वाली है। ये मूवी पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें रिश्ते, इमोशन, आस्था और साइंस के बीच उलझी कहानी है। इस मूवी में रश्मिका मंदाना का नाम तारा है, जो एक वकील के रोल में नजर आने वाले हैं। और इस मूवी में अमिताभ बच्चन का नाम हरीश है, जो कि रश्मिका मंदाना के पिताजी के रोल में नजर आने वाले हैं। और नीना गुप्ता का नाम गायत्री है, जो इस मूवी में रश्मिका मंदाना की माँ की रोल में नजर आने वाली है। इस मूवी में हिंदू धर्म के रीति रिवाज और संस्कृति को दिखाया गया है। अगर हिंदू धर्म में कोई व्यक्ति मर जाता है तो 12 दिनों के लिए लगभग सारे चीजों को छोड़ दिया जाता है और बाल मुंडन किया जाता है और भी काफी सारे क्रियाक्रम को किया जाता है। और रश्मिका मंदाना एक वकील है, तो वो रीति रिवाज और संस्कृति को नहीं मानती है। और अमिताभ बच्चन पूरे संस्कृति और रीति रिवाज के साथ अपनी पत्नी को अलविदा करना चाहते हैं, तो इसी को लेकर रश्मिका मंदाना और अमिताभ बच्चन में बहस चलती है। और ये मूवी 7 अक्टूबर को ही सिनेमा घरों में रिलीज हुई है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन इस मूवी को देखने जा रहे हैं और कौन कौन इस मूवी को देख चुके हैं। और जो देख चुके हैं उनको तो पता चल ही गया होगा कि ये मूवी बहुत ही ज्यादा इमोशनल मूवी है। और जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, वो भी पूरे फैमिली के साथ, क्योंकि बहुत मस्त मूवी है। तो चलिए, अब हम आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।